जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो है, मेरे बहुत सारे दोस्त या छोटे भाई है वो मेरे को बार बार ये शिकायत करें कि सर आप SSGD से रिलेटेड बहुत वीडियो बनाते हो, CFP पे बहुत वीडियो बनाते हो, लेकिन कभी ट्रेड्समैन पे नहीं बनाते। तो आज का ये वीडियो स्पेशली ट्रेड्समैन के लिए, जो भी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं या ट्रेड्समैन में फॉर्म फिल कर रहे हैं या जिनका फिजिकल हो गया है, एग्ज़ाम होने वाला है ट्रेड्स का, चाहे वो CISF, BSF, ITBP, CRPF, असम राइफल किसी में भी हो, CAPF की किसी भी पोस्ट में अगर आप ट्रेड्समैन की सर्विस करना चाहते हो या फॉर्म अप्लाई किए हो या करने वाले हो, तो उसके लिए ये पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों आप एंड तक जरूर बने रहिए। साथ ही जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहत अकेडमी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्यों नहीं कर रहे भाई, उधर मैं नई नई वैकेंसियों की अपडेट देता रहता हूँ, फिर भी आप नहीं कर रहे, कर लीजिए, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर, दौड़ के जाइए कर लीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो ट्रेड्समैन है उसकी सर्विस कैसी होती है, उनकी लाइफ क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड्समैन पे कि ज़्यादातर लोगों का जो क्वेश्चन रहता है मेरे से कि सर ट्रेड्समैन में क्या घूसखोरी चलती है या कितने पैसे देने पड़ते हैं ट्रेड्समैन बनने के लिए, कितनी घूसखोरी चलती है इस ट्रेड में, चाहे वो कुक हो, सफाई वाला हो, या बार्बर हो, बिगुलर हो, पेंटर हो, माली हो। तो इन ट्रेड्स में सर क्या पैसे से ही लग सकते हैं, मेहनत से नहीं लग सकते क्या? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी आता है मेरे पास में, और आपने भी ये काफ़ी जीवन में देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो ट्रेड्स में लगते हैं वो पैसे दे के ही लगते हैं, आपने सुना होगा ऐसा, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, कतई सत्यता नहीं है इसमें। जो आपसे अगर कोई पैसे की इस प्रकार की डिमांड करे, दो कान के नीचे बजा देना उसके, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी किसी की यहाँ तक पहुँच नहीं होती कि वो इस प्रकार की वैकेंसियों में मिस्टेक करे या पैसे से काम करो, ऐसा नहीं होता दोस्तों, कोई पैसा नहीं चलता है। ट्रेड्समैन की वैकेंसी में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए, फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए, तभी आप ट्रेड्समैन बन सकते हो किसी भी ट्रेड में आने के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ट्रेड्समैन की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, जॉब प्रोफाइल कैसा होता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो ट्रेड्समैन होते हैं उनको भी CTGD यानी कॉन्स्टेबल GD का दर्जा दिया गया है, जिस प्रकार से CTGD SSGD के थ्रू जो भर्ती होते उनमें, और ट्रेड्समैन में जो पद भार है पहला उसमें कोई फर्क नहीं, वो भी CTGD है, इनका भी CTGD लगता है दोस्तों। उससे CTGD लगने के फ़ायदे क्या है, उससे ये होता है कि दोस्तों की जैसे पहले क्या होता था कि जो कुक होते थे या सफाई कर्मचारी होते थे या जो धोबी होते थे, वॉशरमैन होते थे, इनको क्या होता था दोस्तों कि रिस्क अलाउंस नहीं मिलता था। जैसे अगर मैं मान लो कश्मीर में बाई ड्यूटी कर रहा हूँ तो वहाँ का रिस्क अलाउंस जैसे 17,300 रुपये, तो इनको वो नहीं मिलता था, इनको वहाँ का नॉर्मल 2,000 रुपये ही मिलते थे। लेकिन अब इनके भी CTGD लग गया है, उसकी वजह से इनको वेपन ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग टाइम भी बता देता हूँ, पहले इनकी होती है वेपन बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद में इनको वेपन ट्रेनिंग भी होती है, इनसे फायर वायर की तैयारी करवाया जाता है, सभी ट्रेड्समैन की वेपन ट्रेनिंग भी होती है, फिर उनके बाद में उसके ट्रेड की ट्रेनिंग होती है जिस ट्रेड में वो होता है, इस प्रकार से इनकी ट्रेनिंग होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये कोई इसमें नहीं है कि CTGD लगता है, और सेम ही पेमेंट रहती है 21,700, जैसे इनकी पे स्केल है सेम पे स्केल है, कोई फ़र्क नहीं, बराबर पेमेंट मिलता है जहाँ पे भी ड्यूटी करते हैं। अब जो ट्रेड्समैन में उनमें जो नुकसान की बात क्या है, उसमें प्रमोशन नहीं होता। कौन सा, जैसे कि अगर कॉन्स्टेबल आज SSGD से अगर कोई भर्ती होता है तो 10 या 15 साल या 20 साल बाद में वो हवलदार बन जाता है, उसके बाद में 5-7 साल बाद में ASI बन जाता है, फिर SI बन जाता है और इंस्पेक्टर तक जाता है, या उससे आगे भी चला जाए कोई, तो ट्रेड्समैन में इस प्रकार का प्रमोशन नहीं होता। जैसे कुक है वो कुक ही रहेगा पूरी सर्विस में, सफाई वाला वो सफाई वाला ही रहेगा पूरी सर्विस में, धोबी है वो धोबी रहेगा पूरी सर्विस में, चाहे कितनी भी उसकी सर्विस हो जाए वो उसी ट्रेड में रहेगा और उसी रैंक पे। हाँ, उसकी पेमेंट मिलती रहेगी, जैसे इधर NPA हवलदार का जो पेमेंट लगता है उनका भी लगेगा, पेमेंट उनकी बराबर चलती रहेगी, लेकिन जो रैंक का है वो उनकी रैंक नहीं बढ़ती है दोस्तों। तो इस प्रकार से ट्रेड्समैन की सर्विस होती है। अब बात करते हैं कि जो ट्रेड्समैन जो अगर आप मान लो किस ट्रेड्समैन में प्रमोशन जो एग्ज़ाम देते हैं क्या वो दे सकते हैं दोस्तों। अब जैसे CISF में वैकेंसी आई थी उसमें बिल्कुल ट्रेड्समैन के लिए भी ऑप्शन उन्होंने दिया था कि बिल्कुल ट्रेड्समैन भी अगर कोई है, जैसे बिगुलर है, पेंटर है, माली है, तो वो भी एग्ज़ाम देके अपर में जा सकते हैं, मतलब ASI की उसमें वैकेंसी है, 670 पोस्ट के भी CISF में फॉर्म चल रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि जो ASI है पोस्ट और SI पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब उन्होंने ट्रेड्समैन भी अलाउ किए हैं, ठीक है। इसके साथ में अभी CRPF में एक जस्ट वैकेंसी आ रखी है PCM वालों की, जिनके PCM सब्जेक्ट है, तो उसमें भी ट्रेड्समैन को, मतलब पेंटर माली और पेंटर है माली है और बिगुलर
और CTGD, मतलब ये जिनकी 2 साल सर्विस कंप्लीट हो गई वो भी उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ट्रेड से भी आप निकल के इनमें जा सकते हो। लेकिन हाँ, CISF में दिया है उसमें ट्रेड्स में लिखा हो, उसमें शायद मेरे ख्याल से कुक पता नहीं दे सकते हैं नहीं दे सकते, लेकिन जो CRPF में निकली उसमें कुक और सफाई वाला उनके लिए भी नहीं है कि वो दे सकते हैं नहीं दे सकते, उनके लिए उसमें परमिशन नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ट्रेड से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे CISF ने वो एग्ज़ाम कराया था उसमें ट्रेड्समैन को भी अलाउ किया था। तो ट्रेड्स में भी हो तो अगर आपको ज्वाइनिंग मिलती है या ट्रेड्स की आप तैयारी कर रहे हो, दोस्तों अच्छे से तैयारी करिए, कोई बात नहीं। अगर आप किसी ट्रेड्स में ज्वाइन करते हो कोई फ़र्क नहीं होता फोर्स में, लाइफ में। आपको जो बाहर जो दिखते हैं ना कि भाई सफाई कर्मचारी का काम ऐसा होता है या बहुत ही इस प्रकार का काम होता है या बहुत ही छोटा समझा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। फौजी फौजी होता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो कुक हो, चाहे कुछ भी हो, और सभी की बराबर रिस्पेक्ट है। ये फौज एक ऐसी जगह है जहाँ पर शेर और बकरी दोनों एक ही जगह पानी पीते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ताकतवर हो और ये एक बहुत कमज़ोर है, लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने वर्दी पहन रखी, और जिसने ये वर्दी पहन रखी है उसको वही इज्जत और सम्मान मिलता दोस्त। तो आपको बिल्कुल निश्चित हो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी अपनी जारी रखिए और बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए, आपको जीवन में मौके मिलेंगे। लेकिन अगर आप जैसे पेंटर हो तो पेंटर ट्रेड से आप ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि पेंटिंग जानता है। और अगर माली हो तो बिल्कुल माली ट्रेड से या बिगुलर से बढ़ती होती हो तो ये अच्छे ट्रेड है। और इसके बाद में आप सफाई कर्मचारी है, धोबी है, कुक है, तो ये भी सब, या क्या बोलते हैं कारपेंटर है, तो इनकी भी वैकेंसी आती है। तो आपको अगर कोई काम आता तो इनमें से आप कर सकते हो और बहुत ही अच्छी जॉब होती है। कोई जॉब प्रोफाइल में कोई नुकसानदायक नहीं है, जो एक नुकसान होता है बड़ा सा कि जो CTGD है वो प्रमोशन मिल जाता है उनको, इनको नहीं मिलता है। जो जिस ट्रेड में उसी ट्रेड में रहना पड़ता है दोस्तों। जो प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम है कुछ एग्ज़ामों में छूट दी जा सकती है, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा कि 100% आपको हर एक एग्ज़ाम में दिया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि अभी जो CISF में हुआ था उसमें दी गई थी, इससे पहले नहीं दी जा रही थी, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको भी छूट मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं है। और आप ट्रेड्समैन ज्वाइन करके भी बाहर के एग्ज़ाम तो दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। अगर आपकी अच्छी पढ़ाई है, आपकी ट्रेनिंग के बाद में आप पढ़ाई तो कर सकते हो, टाइम तो आपको मिलता ही है, सभी को मिलता है टाइम, तो आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हो और अपना फ्यूचर बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। उसमें आपको कोई रोक टोक थोड़ना है, चाहे वो बार बार हुआ चाहे कोई भी हो। तो मतलब अच्छी जॉब है, कोई जॉब प्रोफाइल में कोई नुकसान नहीं है। ये ट्रेड्समैन के बारे में ऐसा बोला जाता है ये सिर्फ बाहर ही बोला जाता है, यहाँ फोर्स के अंदर कोई नहीं, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपका ट्रेड क्या है, ठीक है। आप इस वर्दी में हो, इस वर्दी की इज्जत है, और आप फौजी हो, क्यों? क्योंकि आप अगर किसी को मान लो कुक है, उस्ताद है, तो खाना खिला रहा था वो कोई छोटा काम है क्या? अरे मेहनत तो वो भी कर रहा है, बराबर ही मेहनत कर रहा है ना। और जिस दिन किसी दिन ऐसी नौबत आएगी देश के लिए लड़ना पड़ेगा तो वो भी लड़ेगी, वो कोई ये थोड़ा ना छोड़ के चले जाएंगे या नहीं हम तो रोटी बनाएंगे, ऐसा कहीं नहीं होता दोस्तों। बहादुरी का काम है, चाहे आप कुछ भी करो फोर्स में आके, बहुत शानदार है। तो आप ट्रेड्समैन की भी ये जॉब प्रोफाइल है, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, क्योंकि आज के समय में आपको पता है कि हर एक, मुझे पता है जो ट्रेड्समैन की या इनकी जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का परिवार कैसा होगा, उनके परिवार की स्थिति कैसी होगी, तो वो मैं अच्छी तरह से भली बात समझता हूँ। तो इसलिए आप ज्वाइन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।